हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बढ़ेगा गांव बढ़ेगा देश में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे इस लॉकडाउन में अपना नया आधार कार्ड या अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह का अपडेट कराने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने अपना या अपने फैमिली मेंबर या अपने किसी भी फ्रेंड्स का अपना आधार कार्ड, नया आधार कार्ड बना सकते हैं या अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या उसे अपडेट कराने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल ओपन करेंगे और गूगल ओपन करने के बाद सिंपली हम उस पर आधार लिखेंगे। और जैसे ही दोस्तों आधार लिखेंगे, हमें आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uidi.gov.in, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन में, हम उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, होम पेज है, वो ओपन होके आता है। और जो सबसे पहला जो मेन्यू है दोस्तों, माई आधार, उस पर हम जाते हैं। और जो यहाँ पे उस पर जाने के बाद बुक एंड अपॉइंटमेंट पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम बुक एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, एक दूसरा पेज ओपन होता है जिसपे लिखा हुआ है बुक एंड अपॉइंटमेंट, और बाकी उस पर लिखा हुआ है कि द फैसिलिटी इज फॉर बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट एट द आधार सेवा केंद्र फॉर आधार सर्विसेज लिस्टेड बिलो। और वहाँ पे हमें मिलता है कि हम इस अपॉइंटमेंट में क्या क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जा रही है। फ्रेश आधार इनरोलमेंट कर सकते हैं, नाम अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और बायोमेट्रिक फोटो, फिंगरप्रिंट, आयरिस को इजीली अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, तो यहाँ हमें मिलता है बुक एंड अपॉइंटमेंट एट UIDI रन आधार सेवा केंद्र। दोस्तों, UIDI ने कुछ चुनिंदा शहरों में अपने ऑफिशियल आधार सेवा केंद्र इस्टेब्लिश किए हैं, वहाँ पे आप जाके भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कुछ चुनिंदा ही शहर हैं जिसपे जो कि आप इस सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि कौन कौन से शहर हैं। दोस्तों, अगर आप इन शहरों में, अगर आपका शहर का नाम नहीं है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप दूसरा ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट एट रजिस्ट्रार रन आधार सेवा केंद्र, जो आपके लोकल में आधार सेवा केंद्र हैं रजिस्ट्रार वाले, वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे सिटी का नाम इसमें नहीं है, तो सिंपली हम दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, प्रोसेस टू बुक एन अपॉइंटमेंट आपके लोकल के लिए। ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसेस टू बुक एन अपॉइंटमेंट पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज ओपन होके आता है जिसपे हमें देखने को मिलता है सेलेक्ट रेजिडेंट टाइप, इंडियन है या नॉन रेजिडेंट इंडियन है। तो हम इंडियन है तो बाई डिफॉल्ट इंडियन पे ही क्लिक होके आएगा। और वहाँ पे लॉगिन के लिए हमें दो ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो मोबाइल नंबर से हम लॉगिन करेंगे। दोस्तों, पहले हम मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड यहाँ डालना है, वो एंटर हम कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आप कोई भी अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं और यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करेंगे। और ये एंटर करने के बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही सेंड ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे, ओटीपी सेंड हो गया है, जो नंबर हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर किए हैं उस नंबर पे ओटीपी जाएगा। तो हमें वो ओटीपी यहाँ पे एंटर ओटीपी वाले बॉक्स में यहाँ पे उस ओटीपी को क्लिक करके सबमिट ओटीपी एंड प्रोसेस पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे हम सबमिट ओटीपी एंड प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है न्यू इनरोलमेंट और अपडेट आधार। दोस्तों, यहाँ न्यू इनरोलमेंट में आप नया आधार आपको अगर बनवाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप नया आधार की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। और यहाँ अगर आपको अपडेट कराना है तो अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले से ही मैंने यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट बुक कर रखा है, दूसरी बार मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करूंगा। तो हमें सिंपली अपडेट कराना है तो अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम अपडेट आधार पे क्लिक करते हैं तो एंटर डिटेल एज पर आधार, मतलब यहाँ पे जैसे आपके आधार में डिटेल है वहाँ इन दो बॉक्सों में देना है। आधार पे आपका जैसा नाम है वहाँ यहाँ पे आपको नाम एंटर कर देना है और आधार नंबर यहाँ पे दोस्तों देना है। तो दोस्तों, हम पहले यहाँ पे फिल कर लेंगे। दोस्तों, आधार नंबर और नेम एंटर करने के बाद अकॉर्डिंग टू आधार हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रेजिडेंट टाइप में। रेजिडेंट टाइप में यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी चेक किया हुआ है कि इंडियन रेजिडेंट है, आप तो ऑलरेडी चेक किया हुआ है बाय डिफॉल्ट। और अगर नॉन रेजिडेंट है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे नॉन रेजिडेंट पे क्लिक करना होगा।
उसके बाद हम दोस्तों मूव करते हैं व्हाट डू यू वांट टू अपडेट, आपको क्या अपडेट कराना है दोस्तों। दोस्तों आपको इसमें से जो भी अपडेट कराना है, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक, एड्रेस, ईमेल, दोस्तों आपको इसमें से जो अपडेट कराना है वो सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बने हुए सामने बॉक्स जो बने हुए हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों तो हमने मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो सिंपली हमने मोबाइल नंबर पे वाले बॉक्स के सामने क्लिक किया और प्रोसीड बटन पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज यहाँ पे पूछेगा कि आधार नंबर जो आपका है कैन नॉट बी एडिटेड लेटर, बाद में अपडेट नहीं हो पाएगा, सो डू यू वांट टू प्रोसीड, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सिंपली आप ओके कर देंगे दोस्तों। दोस्तों जैसे ही आप ओके करेंगे एक नेक्स्ट पेज हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें मिलता है कि अपडेट मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर दोस्तों आपको अपडेट करना है या नया रखना है वो यहाँ पे दोस्तों देना है और कैप्चा कोड डाल एंटर करके सेंड ओटीपी पे हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम पहले एंटर कर लेंगे। दोस्तों ये डिटेल एंटर करने के बाद हम सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे हम सेंड ओटीपी पे सेंड क्लिक करेंगे ओटीपी हमारे उस मोबाइल नंबर पे अपडेटेड मोबाइल नंबर पे जाएगा, हम वो ओटीपी यहाँ पे दोस्तों एंटर कर लेते हैं पहले। दोस्तों ओटीपी एंटर करने के बाद हम सिंपली वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जैसे ही करेंगे मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली का मैसेज आता है और उसके बाद हम सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही सेव एंड प्रोसीड बटन पे दोस्तों क्लिक करते हैं हमें अपडेटेड डिटेल, रेजिडेंट टाइप इंडियन रेजिडेंट और मोबाइल नंबर जो हमें अपडेट करना था वो यहाँ पे एंटर किया था वो यहाँ पे दे रहा है। और बाकी यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों, चेकबॉक्स है, ये जो बॉक्स है वहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जब तक यहाँ पे क्लिक करेंगे नहीं तो सबमिट नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमें क्लिक हर हाल में करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और दोस्तों जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे हमें आप देख रहे हैं कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, योर अपॉइंटमेंट आईडी, हमें अपॉइंटमेंट आईडी यहाँ पे मिल गई है। तो दोस्तों इसको या तो आप कहीं से लिख के रख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फ़ोन में फोटो क्लिक करके रख लीजिए, आगे फ्यूचर में ये इस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ये करने के बाद हम आप देख रहे हैं कि बुक एंड अपॉइंटमेंट का एक बटन है उसके नीचे, सिंपली दोस्तों हम आप बुक एंड अपॉइंटमेंट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों ये बुक एंड अपॉइंटमेंट बटन क्लिक करने के बाद हमें एक पेज मिलता है जहाँ पे लिखा है सर्च इनरोलमेंट सेंटर, यानी कि इनरोलमेंट सेंटर हम कैसे सर्च कर सकते हैं। हम सेंटर के नाम के द्वारा भी यहाँ सर तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सेंटर के नाम द्वारा सर्च कर सकते हैं, पिन एरिया पिन कोड के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं और अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट विलेज पोस्ट के थ्रू भी हम गेट डिटेल करेंगे तो सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हम तो सबसे इजी मोड पिन कोड के थ्रू हम सर्च करेंगे हमारे पिन कोड में कौन कौन से आधार इनरोलमेंट सेंटर हैं। तो चलिए हम पहले एंटर कर लेते हैं पिन कोड। दोस्तों जैसे ही आप पिन नंबर एंटर करेंगे अपने एरिया लोकल एरिया का जहाँ भी आप हैं वहाँ का पिन कोड एंटर करेंगे और गेट डिटेल करेंगे दोस्तों, तो आपकी जो नियरेस्ट जो भी आधार सेवा केंद्र हैं उनकी लिस्ट आपके सामने ऐसे ओपन होके आ जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि चार आधार सेवा केंद्र इनरोलमेंट सेंटर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इसमें से आपका जो भी नियरेस्ट या दिखे आप वहाँ पे इजीली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे DRCC जो थर्ड वाला ऑप्शन है वहाँ पे बुक करता हूँ, बुक अपॉइंटमेंट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट बटन पे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि एक पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे हमें टाइम स्लॉट वगैरह सारा दिया हुआ है। हमारा जो सेलेक्टेड एड्रेस है DRCC करके वो एड्रेस जो सेंटर हमने सेलेक्ट किया है उसका एड्रेस पूरा आ रहा है, ये चेक बॉक्स सेलेक्ट बॉक्स में उसका फिल होके आ रहा है और आज की जो डेट है वो आ रही है दोस्तों। और यहाँ पे हमें कैलेंडर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर ग्रीन कलर के जो डेट दिख रहे हैं यानी कि वो स्लॉट अवेलेबल है और रेड कलर का जो दिख रहा है जो डेट यानी कि वो स्लॉट वो डेट अवेलेबल नहीं है, तो यानी कि 10 और 12 यहाँ पे देख रहे हैं वो इस डेट में अवेलेबल नहीं है और बाकी जो ग्रीन कलर के जो डेट दिख रहे हैं उसमें हमें इन सब डेट में अवेलेबल है। दोस्तों हम कोई भी बुक कर लेते हैं, जैसे हम सिंपली 9 जनवरी को बुक करते हैं और 9 जनवरी पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे टाइम स्लॉट दिया हुआ है दोस्तों, तो कोई भी टाइम स्लॉट हम अपने सुविधा अनुसार चूज कर लेंगे। और दोस्तों हमने जैसे 12:45 पे हमने दोपहर पे चूज़ किया है टाइम स्लॉट और 12:45 चूज़ करने के बाद दोस्तों हम सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। और दोस्तों सबमिट बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं
तो कंफर्म योर बुकिंग नाम का एक पेज आता है जहाँ पे आपका इनरोलमेंट सेंटर का नाम यहाँ पे आता है और उस सेंटर का पूरा एड्रेस आता है, किस डेट में आपको जाना है इनरोलमेंट सेंटर वो मेंशन हो गया आता है, कौन से टाइम में आपको वहाँ पहुँचना है वो मेंशन हो गया आता है। आप बाकी यहाँ पेमेंट डिटेल हमें देखने को मिलती है, अमाउंट टू बी पेड, वहाँ पे हमें अमाउंट कितना पेड करना पड़ेगा, 50 रुपया वहाँ पे अमाउंट पेड करना पड़ेगा हमें, और पे एट सेंटर यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं आपको। उसके बाद हम सिंपली दोस्तों कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे हमें वो पेज ओपन होके आएगा पीडीएफ का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें पेज देखने को मिल रहा है कंफर्म पेज। तो इस पेज पे देखिए दोस्तों पूरी डिटेल दी गई है, आपकी एप्लीकेशन डिटेल, फुल नेम दिया गया है, रेजिडेंट और जो मोबाइल नंबर अपडेट करना है वो दिया गया है, यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया है और अपॉइंटमेंट आईडी आपको यहाँ पे मिलती है दोस्तों। इनरोलमेंट सेंटर का पूरा डिटेल यहाँ पे है और अपॉइंटमेंट डेट जो है आपको यहाँ पे दी गई है, टाइम स्लॉट भी यहाँ पे दिया गया है, 12:45 से लेके 1 बजे तक आपका टाइम स्लॉट है, और अमाउंट टू बी पेड आपको वहाँ पे अमाउंट कितना देना है दोस्तों, 50 रुपये, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है दोस्तों। और बाकी यहाँ पे दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं बता दूँ कि आपको आधार सेवा केंद्र अगर अपॉइंटमेंट मिल गया है तो 15 मिनट पहले, आपके जो टाइम स्लॉट दिया गया उसके 15 मिनट पहले आपको वहाँ पहुँचना है। और उसके बाद कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लेके जाने दोस्तों। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो इस जो ये पीडीएफ है उसका आपको फोटो कॉपी ले जाना होगा और अपने आधार की फोटो कॉपी ले जानी होगी सेंटर पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिस्टेड है दोस्तों, यहाँ पे जैसे लिस्ट ऑफ पीओआई डॉक्यूमेंट, पीओआई डॉक्यूमेंट मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप इनमें से कोई भी एक ले जा सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे लिस्ट ऑफ पीओए डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब यानी कि दोस्तों अपने एड्रेस प्रूफ के लिए इनमें से कोई भी एक वहाँ पे आधार सेंटर की फोटो कॉपी वहाँ पे ओरिजिनल दोनों साथ में रखे, हो सकता है कभी कभी ओरिजिनल मांग देते हैं तो ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों साथ ले जाएं। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए इनमें से कोई एक होना चाहिए, और लिस्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं 1 से लेकर 14 तक है, इनमें से कोई एक लेके आप जा सकते हैं। और लिस्ट ऑफ प्योर डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ प्योर डॉक्यूमेंट मतलब होता है दोस्तों प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, किसी किसी बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो उनका जो रिलेशनशिप होता है मदर का फादर का, तो वो चीज़ें यहाँ पे वो लेके जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।